नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ईएम कास्ट एक बार फिर से। और आज हम करने जा रहे हैं डिटेल कंपैरिजन ब्रीजा का और वेन्यू का। दोनों ही टफ कॉम्पिटिटर्स हैं। इससे पहले मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूं, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं दोनों गाड़ियों की। ब्रीजा लॉन्च हुई थी इंडिया में 2016 में 1.3 मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ में आती थी, और तब से जब से लॉन्च हुई थी तब से इंडिया की फेवरेट मिनी एसयूवी कार थी। इसको टक्कर देने के लिए वेन्यू को हुंडई ने मार्केट में उतारा, और बेसिकली क्या था, पहले क्रेटा जो थी वो सेगमेंट ओनली कार थी, और उसके बाद में ब्रेजा जो थी वो सेगमेंट ओनली कार थी, बस एक एको स्पोर्ट और आती थी उसमें। लेकिन क्योंकि मारुति का ब्रांड ब्रेजा के साथ एसोसिएटेड था, इस वजह से ब्रेजा को काफी पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन अगर कोई गाड़ी ब्रेजा को टक्कर दे पाती है तो वो है वेन्यू। जब से वो लॉन्च हुई है तब से काफी टफ कॉम्पिटिशन दे रही है, और वेन्यू लॉन्च हुई थी मई 2019 में, और मई 2019 में लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी भी काफी पॉपुलर हुई। और अब फाइनली फिर 2020 में फरवरी ऑनवर्ड्स ब्रेजा ने अपना जो डीजल इंजन था वो कंटिन्यू कर दिया, और पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन के साथ में इसको मार्केट में उतारा, जिसको भी काफी प्यार काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है। ये इंजन इसका लगभग सारी जो पॉपुलर कार्स हैं उसमें यूज होता है, जैसे कि सियाज में यूज होता है, स्क्रॉस में यूज होता है, अर्टिगा में यूज होता है, ये भी एक काफी पॉपुलर इंजन है। तो आज जो मैंने कंपैरिजन किया है वो किया है बेस मॉडल्स का, ब्रीजा LXi का और वेन्यू ई का। तो ये दोनों क्योंकि मोटा मोटा 7.5 से 8 लाख के बीच में दोनों गाड़ियां ऑन रोड पड़ जाती हैं, स्पेसिफिक प्राइस में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, तो ये दोनों गाड़ियां लगभग एक ही प्राइस पॉइंट में आती हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैंने किया और आपको बताने की कोशिश किया कि अगर आप एक 8 लाख के बजट को लेके मार्केट में इन दोनों गाड़ियों को देखने जाते हैं तो आपको क्या क्या। मैंने नेक्सॉन वर्सेस ब्रीजा की एक वीडियो पहले आपके लिए बनाई थी, उसमें मैंने नेक्सॉन का बेस मॉडल इंक्लूड किया था, वो वीडियो आपको इस टाइम पे रिकमेंडेशन में शो हो रही होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि आपको इन दोनों गाड़ियों में बेस वेरिएंट में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी की, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। दोनों गाड़ियों का जो एसी है वो मैनुअली ऑपरेटेड एसी आता है, लगभग एक ही तरह का ऑपरेशन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है एसी के एस्पेक्ट से। बम्पर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने एक्सटीरियर और इंटीरियर को अलग अलग कवर नहीं किया है, मैंने सबको एक साथ क्लब करके पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ आपके लिए कंपैरिजन शो किया है, और उसको ग्राफिक्स के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बम्पर की अगर हम बात करें तो बम्पर जो आपको मिलता है वो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड बम्पर आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल्स के हिसाब से। रियर बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स में गलती से वेन्यू एस लिखा हुआ है, लेकिन वो वेन्यू ई वेरिएंट है। तो आपको जो रियर बूट स्पेस देखने को मिलता है वो वेन्यू में देखने को मिलता है 350 लीटर और ब्रीजा में देखने को मिलता है 328 लीटर। बूट स्पेस का वेरिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये स्टैंडर्ड होता है अक्रॉस ऑल वेरिएंट। उसके बाद में अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो वेन्यू में और ब्रीजा में दोनों में ही बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें हम डोर पॉकेट्स की, तो डोर पॉकेट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में चारों डोर पॉकेट मिलती हैं, ऑल फोर डोर पॉकेट्स, एंड दे आर एबल टू होल्ड 1 लीटर वाटर बॉटल। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट ग्रिल की, तो वेन्यू एस में जो ग्रिल आपको देखने को मिलती है वो ऑल ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल है, और मारुति ब्रेजा LXi में जो फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिलती है क्रोम ग्रिल है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लगती है। उसके बाद अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स आपको वेन्यू एस और मारुति ब्रेजा LXi में सेम मिलते हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ब्रेजा LXi में आपको LED स्ट्रिप पार्किंग लाइट्स भी मिल जाती हैं, जो कि एक एज देता है उस गाड़ी को। हेडरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेन्यू एस में थोड़ी सी एज है, यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलती है रियर हेडरेस्ट की अगर हम बात करें, लेकिन ब्रीजा LXi में आपको यहाँ पे कोई हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलती है। म्यूजिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ ब्रीजा के पास में एक बहुत बड़ा एज है, यहाँ पे उसमें एक म्यूजिक सिस्टम विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, और जो कि काफी अच्छा सिस्टम है, काफी अच्छी साउंड वो प्रोड्यूस करता है, और यही सेम सिस्टम आपका VXi वेरिएंट तक जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस पड़ती है ऑन रोड। तो ये काफी अच्छा अपडेट है कि उसमें LXi में भी आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। लेकिन यहीं पे अगर हम वेन्यू ई की बात करें तो मैंने वीडियो में गलती से कई बार वेन्यू एस बोला है, लेकिन इसको वेन्यू एस मत लीजिएगा, इसको वेन्यू ई लीजिए। वेन्यू ई में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम ORVMs की बात करें तो ब्रीजा LXi में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वेन्यू ई में आपको मैनुअली ऑपरेटेड ORVMs देखने को मिलते हैं। ब्रीजा LXi में ORVMs का कलर आपको बॉडी कलर मिलता है, बॉडी कलर पेंट ही आपको ORVMs में मिलता है, वेन्यू में आपको ब्लैक कलर्ड ORVMs मिलते हैं। पावर विंडोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रीजा LXi में आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिलती हैं, लेकिन वेन्यू में आपको सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज मिलती हैं, रियर में आपको पावर विंडोज नहीं मिलती, आपको मैनुअली उनको ऑपरेट करना होता है। पार्किंग सेंसर की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। रियर स्प्लिट सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रीजा LXi में आपको फुल स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, यानी कि आप फुल स्प्लिट उसको कर सकते हैं, जो आपकी सिटिंग सीट होती है आप उसको भी निकाल के आगे शिफ्ट कर सकते हैं, और फिर जो आपकी सीट होती है आप उसको
इंक्लाइन करके 100% उस स्पेस को फुल सीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन वेन्यू में सिर्फ वो आपकी 100% फोल्ड का ऑप्शन होता है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन सेफ्टी के बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। 2 एयरबैग्स ABS प्लस EBD आपको दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रीजा LXi में आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पे माउंटेड मिलते हैं, लेकिन वेन्यू में वो बॉडी पे माउंटेड है। स्टेयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो स्टेयरिंग व्हील आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है और उसमें कोई भी आपके कंट्रोल्स स्टेयरिंग व्हील पर नहीं है दोनों ही वेरिएंट। टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। ब्रीजा LXi में जो टायर्स आपको मिलते हैं वो 205/60R16 के मिलते हैं, लेकिन वेन्यू में जो आपको टायर्स मिलते हैं 195/65R15 के टायर्स मिलते हैं। टायर साइज को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 205/60R16 तो इसका मतलब होता है 205 जो है वो विड्थ है टायर की इन मिलीमीटर, 60 उसका एस्पेक्ट रेशियो है और R16 होता है उसका रेडियल। तो इसमें यहाँ पे एक एज ये देखने को मिल जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में अलॉयज लगवाना तो कंपनी फिटेड अलॉयज जो टॉप मॉडल में वेन्यू में आते हैं वो R16 टायर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको R15 में अगर आप अलॉयज लगवाना चाहते हैं तो आपको टायर्स को रिप्लेस करना होगा। लेकिन मारुति ब्रीजा LXi में आपके वही अलॉयज जो आपके टॉप मॉडल में ZXi में आते हैं वो अलॉयज सीधे आपके ब्रीजा LXi के टायर्स में फिट हो सकते हैं, यहाँ पे आपको टायर रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। पावर USB ऑक्स कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे वेन्यू में सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है, लेकिन ब्रीजा में आपको 12 वोल्ट सॉकेट USB और ऑक्स कनेक्टिविटी मिलती है। और इसके बाद जो सबसे मेजर फैक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेन्यू ई में आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है आपको 1.2 लीटर 83 PS वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट 9.5-10 लाख तक जाता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो, CRDI 100 PS का टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। यहीं पे अगर हम मारुति ब्रीजा LXi की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का K सीरीज 103 BHP जनरेट करने वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही मेजर एज प्रोवाइड करता है, क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV कार के लिए अंडर पावर्ड है। मैंने इस इंजन को और छोटी गाड़ियों में चलाया हुआ है, हैचबैक गाड़ियों में चलाया है मैंने, तो यहाँ पे आपको मारुति में डेफिनेटली ब्रीजा में आपको एक एज देखने को मिलती है। 1.5 लीटर का इंजन ऑब्वियसली इज मोर पावरफुल देन 1.2 लीटर इंजन, और यहाँ पे पावर में भी आप देख सकते हैं कि 103 और 83 PS में पूरे के पूरे 20 PS का 20 BHP का डिफरेंस है, विच मेक्स अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन बोथ द कार्स। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। तो अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो यहाँ पे दोनों गाड़ियों के अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी बिल्कुल खराब है और एक गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, दोनों गाड़ियों के अपने पॉजिटिव्स हैं। दोनों ही गाड़ियां पीस ऑफ माइंड कार्स हैं, क्योंकि दोनों के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, तो पेट्रोल में टर्बो इंजन ना होने की वजह से उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें अगर दोनों में से कौन सी गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए, तो देखो ऑब्वियसली ब्रीजा के अंदर जो फीचर्स हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिलता है। अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवाने जाओगे तो 30,000-35,000 का अच्छा म्यूजिक सिस्टम आता है, तो इतना खर्चा आपको उसमें करना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, रियर फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलती है, थोड़ा रियर बूट स्पेस आपको ज्यादा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजों में ब्रीजा की एक एज है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रीजा को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे। अगर आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी को चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा SUV फील हो रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हो। एक और एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं यहाँ पे बताना भूल गया वो है डायमेंशन का। अगर हम वेन्यू की बात करें तो डायमेंशन के मामले में 3995 यानी कि लेंथ जो है दोनों ही गाड़ियों की सेम है, दोनों की लेंथ जो है वो इन मिलीमीटर 3995 है। उसके साथ साथ अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पे वेन्यू की जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, 1790 जो मिलीमीटर विड्थ है वो ब्रीजा की है और 1770 20 मिलीमीटर कम यहाँ पे जो विड्थ है वो वेन्यू की है। और उसके साथ अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट में थोड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, 1590 मिलीमीटर हाइट जो है वो वेन्यू की है और 1640 जो मिलीमीटर हाइट है वो ब्रेजा की है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे आपको हाइट में देखने को मिल जाता है। जो विड्थ का डिफरेंस है वो नोटिसेबल डिफरेंस है, वो आपको देखने में साफ साफ पता चलता है कि ब्रेजा ज्यादा SUV लगती है, एंड दिस इज अ फैक्ट। सो अब जो कंक्लूजन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको जिस गाड़ी में ज्यादा कंफर्ट मिलता है। अगर आपको चाहिए कि बूट स्पेस बड़ा हो, प्लास्टिक की इंटीरियर क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो और उसके साथ साथ रियर फिक्स्ड हेडरेस्ट है आपके पास में, और Hyundai भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है नो डाउट, तो डेफिनेटली आप वेन्यू के साथ जा सकते हैं। और
अगर आपको चाहिए कि आपको एक ज्यादा पावरफुल इंजन लेना है, जैसे कि 1.5 लीटर इंजन लेना है, और आपको म्यूजिक सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं करना है, और आपको ऑल फोर पावर विंडोज चाहिए, OVRMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको इंटरनल चाहिए, तो आप डेफिनेटली ब्रेजा के साथ में जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से दोनों ही गाड़ियों का एक कंपैरिजन डिटेल्ड एनालिसिस। इसके बाद में जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप मेरे से किन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करवाना चाहेंगे। मैं इन बिटवीन मॉडल्स का, जो जैसे वेन्यू ई है, वेन्यू एस है, उनके प्राइस डिफरेंस का भी मैं कंपैरिजन करता हूं, और मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेरिएंट से उसके ऊपर वाले वेरिएंट में जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें वैल्यू फॉर मनी उस मॉडल को बनाती हैं, और क्या आपको उसमें उस वेरिएंट में जाना चाहिए, और क्या उस वेरिएंट में जाने में आपको फायदा मिल सकता है। ऐसी ही एक वीडियो मैंने LXi टू VXi ब्रेजा की बनाई है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या LXi से VXi में 1 लाख रुपए ज्यादा देने में हमें वो चीजें मिलती हैं जो वर्थ हैं 1 लाख रुपए के लिए। अगर आप इस तरीके का कंपैरिजन चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वो वाली वीडियो आपको शो हो रही होगी, LXi वर्सेस VXi टॉप राइट कॉर्नर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरीके का कंपैरिजन डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विद सम ऑफ दीज टॉपिक्स। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी तरीके के किसी डिटेल्ड कंपैरिजन एनालिसिस या किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ऑटोमोटिव मार्केट के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।